أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقين جانيه हाईटेक दौड़ है इस जमाने के अंदर। मोबाइल इतनी खतरनाक चीज है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब उलमा से बड़ों से सर्वे लेंगे आप तो पता चलेगा कई लाख तादाद में हमारी बेटियां गैरों के यहाँ जा चुकी हैं। मोबाइल का गलत इस्तेमाल होता है। कुछ लोग अल्लाह ने पैसा दिया, अच्छा मकान बना लिया, बनाने के साथ उसमें लगाएंगे वाईफाई, उसके बाद तीन बच्चे हैं, तीनों को मोबाइल ला के देंगे एंड्रॉइड बड़ा वाला। हजरत बच्चे तीन हैं मेरे पास, तीनों के पास आईफोन है, वो भी लाया हूँ 15 प्रो मैक्स, 1.5 लाख का मोबाइल बच्चों को दे रखा है बड़ी आसानी के साथ। लेकिन कुछ दिन के बाद ये भी खबर मिल जाती है कि मेरी जो बेटी थी जो 12वीं में पढ़ रही थी फला गैर मुस्लिम के साथ जा चुकी है। उसकी वजह क्या है? मोबाइल देना गलत है? नहीं, मोबाइल दीजिए। अच्छे गार्जियन की पहचान ये है कि पढ़ने के लिए ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है और वाकई में उसका इस्तेमाल तालीम के लिए हो रहा है तो आप अपने बच्चों को दीजिए। लेकिन याद रखिए कि रात का जब हिस्सा गुजरे 8 से 9 बज जाए, ऐसा की नमाज अदा हो जाए, खाना खा ले, तो गार्जियन को चाहिए कि सब बच्चे का मोबाइल अपने हाथ में जब्त करके अपने पास रखे। खुदा की कसम कभी शिकायत नहीं होगी। तनहाई में कमरे में दे देते हो, आपको पता नहीं कि ये मोबाइल क्या गुल खिला सकते हैं। अभी मैं बेतिया और चंपारण का वाकया सुना रहा हूं। बस मात्र 13 साल की दो बच्चियां यहां से चली जाती है फरार होकर और मुंबई जाती है, एकदम अजेड़ी गजेड़ी, हाथ में कान में बाले पहने हुआ, हाथ में कड़ा लगाए हुआ है। वो लड़का भगा के उसे ले गया, महीनों तक उस बच्ची को रखा। गार्जियन ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए। एक साहब मेरे साथी में से था, उसने कहा कि मैं मुजाहिद हबीबी को सुनता था, उसको दावत दिया कि बिहार से दो लड़की को मैंने बुलवाया है, चलो इस्तेमाल करोगे। उसको मालूम हुआ कि अरे ये तो बिहार की है, ये सीतामढ़ी और ये बिहार तो मुजाहिद हबीबी का इलाका है। उसने आधार कार्ड भेजा बच्ची का और मेरे पास भेजा। मैंने पता जब लगाया तो मेरे दोस्तों रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि 13 साल की बच्ची भागी कैसे। उससे जब पूछा मैंने तो उस बच्ची ने बताया कि मैं ऑनलाइन लूडो खेल रही थी। अब अंदाजा लगाइए कि कनेक्शन कहां मिला। एक महीने के बाद बच्चियां दस्तयाब होती हैं। ये एंड्रॉइड मोबाइल और ये जमाना जो है, खुदा की कसम, अपनी बच्चियों की तरबियत अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी पगड़ियां कब आपके कदमों में आ जाए ये भरोसा नहीं है। और इसमें बचा कोई नहीं है, न नमाजी है, न काजी है, न हाजी है, न गोरा है, न काला है, न अमीर है, न गरीब है, हर लोग मुलव्वस नजर आ रहे हैं अगर इस चीज को नहीं संभाला गया। हजरत कादी साहब को मुबारकबादी पेश करता हूँ। कभी बैठ करते उन्होंने कहा ना कि मैं नाम नहीं बताऊंगा। हजरत कादी साहब नाम नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? इसलिए नहीं बताएंगे कि इनके दारुल कज़ा के अंदर इस तरह के केस बहुत आते रहते हैं, कहीं समाज में रुसवाई ना हो जाए। मसला यह है कि निगाहें सख्त रखिए और अपने पापा की परिया नहीं, पापा की शेरनी बनाइए, ताकि नजर उठाए ना तो मुस्कान की तरह चीरते फाड़ते नारे तकबीर का नारा बुलंद करते हुई बेटी नजर आए। बेटी को परिया मत बनाइए, शेरनी बनाने की कोशिश कीजिए और उसे दीनी तालीम से आरास्ता और पैरास्ता कीजिए, तब जाकर मेरे दोस्तों समाज के अंदर अब सरबुलंदी के साथ जी सकते हैं। हजरत काजी साहब का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जो उनवान मौजू को मद्देनजर रखते हुए बात कही है, अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक बख्शे। हवा के रुख पे रहने दो ये जलना सीख जाएगा, हवा के रुख पे रहने दो ये जलना सीख जाएगा कि बच्चा लड़खड़ाएगा तो चलना सीख जाएगा, है कि नहीं? मेरे दोस्तों अभी सोशल मीडिया पे आप देखे होंगे, हमने फेसबुक आईडी पे लगाया, मेरा बेटा एक अबू हुरैरा हबीबी है, 4 साल का, 4 साल अपनी उम्र को मुकम्मल किया उसने। मैंने अपने अहलिया से कहा कि इसको मदरसे में आने जाने की ट्रेनिंग दो ताकि उठना बैठना ये सीख जाए, ठीक है? 4 महीने तक मकतब में गया, नूरानी कायदा आधा भी नहीं पढ़ पाया बच्चा। और रमजान मुबारक के महीने में जब अहलिया कुरान पढ़ रही है और मैं कुरान पढ़ रहा हूँ तो बच्चा टोटा के तोड़ मरोड़ के कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। अभी
इसी 10 दिन पहले का वाकया सुना रहा हूं कि 15 दिन पहले नूरानी कायदा मुकम्मल करता है और हाफिज साहब ने कहा कि मैं इसको एक मरतबा और पढ़ाना चाह रहा था, लेकिन कुरान करीम जिस रवानी के साथ ये बच्चा पढ़ रहा है तबीयत चाह रही है कि कुरान में शुरू कर दूं इसका। बच्चे के अंदर तलफ्फुज की उतनी आदत आएगी तो नहीं है, कवायद और तजवीद जो सेहत के साथ कुरान को पढ़ा जाता है, लेकिन 4 महीने के अंदर अगर 4 साल का बच्चा कुरान पढ़ लेता है। मुझे ये खबर मिली कि इमाम साहब के पास गया, मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप भी इमाम से जुड़े हो। मैं इमाम साहब के पास गया तो इमाम साहब के हाथ में जो मोबाइल था 2007 का मॉडल, यानी बैटरी निकाली है तो नीचे सिम लगाने का ऑप्शन। अब बताइए वो मोबाइल कितना छोटा सा था। और इमाम की तनख्वाह जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल और करम से इस कौम की मेहरबानी आज भी उसकी बेचारे की 5,000। ये राजधानी का वाकया सुना रहा हूँ पटना का और पटना में दानापुर का। सुनिए 5,000 रुपया तनख्वाह। एक इमाम अपनी बीवी देखेगा, बच्चा देखेगा, सेहत देखेगा, रिश्तेदारी देखेगा। ये 5,000 की तनख्वाह में बताइए 10,000 का कोई मोबाइल ले सकता है? नहीं सही सही। मैंने इमाम साहब को जब शुरू करवाया, शुरू कराते वक्त एकदम खूबसूरत सा एक अच्छा सा 5G एंड्रॉइड मोबाइल मैंने हजरत को हदिया में पेश किया और जलसे का एक लिफाफा भी पेश किया। और साथ में यही नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूं, बड़ाई नहीं, आप भी ऐसा कीजिए, नहीं कीजिएगा तो कयामत के दिन ये उलमा आपका दामन पकड़ेंगे। इनके पास भी जरूरियात है। और बच्चा मेरा, वैसे मेरा एक साथी ने कहा कि क्या जरूरत थी कि इतना खर्च कर रहे हो इमाम के पीछे? मैंने कहा खुदा की कसम मुजाहिद हसनैन हबीबी, आप मर भी जाएगा, रब्बे काबा की कसम खा के कह रहा हूं, मेरा बेटा बिस्मिल्लाह के साथ कुरान शुरू कर दिया है, अल्लाह की दरिया रहमत जब भी जोश में आएगी इंशाल्लाह मैं बख्शा जाऊंगा। बुनियाद डाल दिया भाई। आप जुमा में नमाज पढ़ने जाते हैं, आपने कभी सोचा इमाम साहब की बुराई करना शुरू कर दिए, गाली गलौज करना शुरू कर दिए? खुदा की कसम तरक्की नहीं कर सकते आप। कम से कम 500 रुपये से हाथ तो मिला लीजिए उनसे जाकर, चुपके से मिला लीजिए। खुदा की कसम उनके दिल से तो दुआएं निकलेगी ना, सातों आसमान को चीरते फाड़ते अरशे इलाही को हिला कर, ये कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह तो मुझे आज बड़ा अच्छा लगा कि हाफिज मुकीम साहब आपका बच्चा इंटर में कामयाबी हासिल करता है। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह उसको दीन का दाई, इस्लाम का सिपाही बनाए और ये कदम आगे बढ़ता चला जाए। समाज की तरक्की चाहते हो तो पढ़ाओ अपने बच्चों को, पढ़ा लिखा गरीब अच्छा है दौलतमंद जाहिल से। मेरे दोस्तों तालीम एक ऐसी चीज है, एजुकेशन ऐसा चीज है जो आपको समाज के सामने निगाहों में निगाहें डालकर अगर किसी बड़े से बड़े हुक्मरान से बात करने की सलाहियत रखता है तो वो तालीम है। बिरादरी कोई माना खान पठान शेख फलाने काम ये कुछ काम नहीं करता। मैं तालीम एक ऐसी चीज है कि छोटे बिरादरी के लोगों को मैंने मुसल्ले पे खड़े होकर देखा है। अब बड़े बड़े शेख और खान पठान पीछे खड़े हुए हैं, जब तक अगर इक्तदा नहीं करेंगे नमाज भी मुकम्मल नहीं होगी। तालीम सबसे बड़ी चीज है। जिस कौम का आगाज इकरा से हुआ ये कौम सबसे पीछे नजर आ रही है। चाहे कुछ भी कहे ये जमाना तुम्हें, हैसियत अपनी हरगिज घटाना नहीं, जान बाकी रहे या के जाती रहे, हर जगह अपने सर को झुकाना नहीं। कह रहा हूं बहुत दर्द के साथ मैं, याद रखना इसे भूल जाना न तुम, दाल रोटी पे करना गुजारा मगर अपने बच्चों को जाहिल बनाना नहीं। इंशाल्लाह ये अहद करके उस प्रोग्राम से उठे तालीमी बेदारी के, ये सिर्फ हाफिज मुस्तकीम के बच्चे का मसला नहीं है, आप भी अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे इंशाल्लाह।